बहुत बढ़िया है, 12 लोग जुड़ चुके हैं। प्रमुख लोगों में यहाँ अंकुश सिन्हा जी हैं बिहार से, प्रतीक दुबे जी हैं भोपाल से, राहुल कंदोरिया जी हैं अहमदाबाद से, सुमित गोंदिया राजकोट से, विशाल व्यास कोलकाता से, प्रद्युम्न सिंह जी वाराणसी से, हाँ यदि किसी का कोई प्रश्न हो, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, एनीथिंग दैट ही और शी माइट वॉन्ट टू शेयर विद सुपीरियर सोसाइटी कैन कम फॉरवर्ड एंड शेयर। हाँ अंकुश सिन्हा जी, कुछ रिपोर्ट हो तो दीजिए। निकाल रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट। अच्छा, आखिरी शब्द बोल के आपने काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया। अन्यथा बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। हितेश जी, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ राहुल आवाज आ कंदोरिया रही है जी से आपको? बोलेंगे। राहुल कंदोरिया जी अहमदाबाद से बोलिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न इस बारे में था कि मैं अभी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचकर मैं ये सोच रहा था कि मतलब लोग जनरली ये सोचते हैं कि अच्छी लाइफ की तलाश में यूएस सेटल होए या फिर अपने गांव में सेटल होए। और यूएस जाने में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप विदेश जा रहे हो तो फिर आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो? अगर फिर भी देश में भी अगर आप गांव में ही रह रहे हो तो भी क्या कर रहे हो? तो आपके समझ से मुझे ज्यादा मतलब मुझे बस यही चाहिए आंसर कि देश में ही रहना चाहिए या आपको बाहर जाना चाहिए? गाना आ रहा है? गाना सुनाई नहीं आ रहा है? गाना इस प्रकार का गाना गोलमाल वाला। अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब अब आ रहा हेलो, है। हाँ तो वो निकल गया है स्क्रीनशॉट। वो कुछ क्वेश्चन है यूट्यूब से जो आप बोल रहे थे कि किसी का प्रश्न हो तो उठा चले आइएगा। नहीं, पहली बात तो जो है ये राहुल कंदोरिया जी की, उस पर हम बात करेंगे। जी ठीक है। हाँ तो राहुल कंदोरिया जी, ये जो अमेरिका जाने का विचार है, आप लाइन पर है ना? हाँ, मैं लाइन पर हाँ हूँ। हाँ हाँ वो ये जो अमेरिका जाने का विचार है, ये विचार बेसिकली कहाँ से उत्पन्न हुआ है? मतलब इसकी हम बहुत रूट में भी जा सकते हैं और इसके मिड में भी जा सकते हैं, तो पहले मैं मिड में जाना चाहूंगा। ये जब छोटे शहर का आदमी या गांव का आदमी या कस्बे का आदमी अपने देश के या अपने राज्य के बड़े शहर को देखता है, जैसे कि आप गुजराती है तो आपने अहमदाबाद को देखा होगा, सूरत को देखा होगा, वडोदरा को देखा होगा, मैंने जयपुर को देखा, दिल्ली को देखा, एमपी का आदमी इंदौर देखता, ग्वालियर देखता, भोपाल देखता है, तो इस प्रकार से यूपी का आदमी लखनऊ देखता है, कानपुर देखता है, महाराष्ट्र का आदमी मुंबई देखता है, पुणे देखता है, नागपुर देखता है, इस प्रकार से। तो उसके अंदर एक भाव उठता है कि यार थोड़ा हम आधुनिक जीवन जिए, थोड़ा हम बड़े शहर में जाएं, तो उस विचार का ये एक्सटेंशन है कि चलो अमेरिका चलते हैं। ये बात आप मानते हैं, सहमत हैं आप इस बात से?
हाँ मतलब लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए आप वेस्टर्न में जाना चाहते हो, यही तर्क है ना आपका? हाँ, वेस्टर्न नहीं है यार, मतलब वेस्टर्न हाँ, एक तरीके से वेस्टर्न ही एक प्रकार की वेस्टर्न नहीं है यार, मतलब वो एक एक आधुनिकवाद है, एक मशीनीकरण है, वो है। वेस्टर्न तो क्या है, मतलब वेस्टर्न में ये सब थोड़ी ना होता है। वेस्टर्न लोग पश्चिमी संस्कृति करते रहते हैं, पश्चिमी संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को बिगाड़ दिया। जैसे पश्चिमी संस्कृति में तो क्या है कि कोई आदमी अपनी बहू को, बेटी को, बहन को, अपनी बीवी को छोड़ देता है कि जा जिसके साथ जो करना है कर, और उसके घर के अंदर तो रोज सुबह शाम शराबे बहती है, नंगी लड़कियां नाचती हैं, मतलब ऐसी है पश्चिमी संस्कृति। तो आपका ऐसा कहना मतलब है, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि पश्चिमी संस्कृति यहाँ पर आ गई है ना, तो इसी पश्चिमी संस्कृति ने फिर ओशो को क्यों भगा दिया था? अगर आप पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें, ये अच्छा, फाइल क्या नाम था ओशो की डॉक्यूमेंट, वाइल्ड वाली वाली, ठीक है, तो उसमें आप जो वो कंट्री। रूट रूट पकड़ेंगे ना कि बात चिंगारी कहां से लगी, मतलब ऐसी क्या पत्ती हो गई थी ओरेगन के लोगों को जिसकी वजह से ओशो के प्रति एक बुरी धारणा बन गई और मतलब एक विरोध उत्पन्न हो गया। जो चिंगारी यहाँ से उत्पन्न हुई थी वो ये कि शीला और उसके साथ में बहुत सारे सन्यासियों की नंगी तस्वीरें उनके हाथ लग गई थी कि यार ये ओशो तो ऐसा आदमी है, पूना के अपने आश्रम में ऐसा नंगापा मचाता था ये, तो ये ऐसी ऐसी बातें करता है, यहाँ पर भी ऐसा नंगापा मचा देगा। तो जो हमारी संस्कृति, जो विक्टोरियन संस्कृति, जो ईसाइयत की संस्कृति है, उसके प्रति उसके प्रति ये मतलब एक प्रकार का खतरा है। ठीक है, एक मिनट, ये डेविड मैक्रोन जी, आप ये बीच में गंदगी मत फैलाइए कृपया करके, प्लीज डू नॉट स्प्रेड गार्बेज हेयर, क्योंकि इससे क्या है कि फिर वो ध्यान भटकता है। यदि किसी को प्राइवेटली चैट करना है तो यहां पर चैट करे, अदरवाइज चैट की जो महत्ता है वो कुछ इस प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए छोड़ दे कि कोई ऐसी सूचना वहां पर डाली जाए जो यहाँ पर मौजूद मीटिंग में सभी लोगों के काम की हो। आप ये इधर ज्ञान मत झाड़िए, यदि आपको ज्ञान झाड़ना है तो आप अपनी प्रॉपर दुकान बनाइए, उस दुकान का मैं सुपीरियर सोसाइटी के अंदर प्रमोशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात चल रही है यार, दो लोग एक बात कर रहे हैं, ये मैक्रोन अपने अंदर इसमें जबरदस्ती उसके मैक्रोन ही बना रहा है। ठीक है, और दुर्भाग्य हमारा कि जूम इसको अलाउ नहीं करता डिलीट करने का। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो अमेरिका की संस्कृति थी उस संस्कृति का एक प्रकार से दुश्मन था ये ओशो, या ओशो की जो विचारधारा थी, तो वहां से बेसिकली रूट उत्पन्न हुआ, रूट रूट वो थी, और वहां से वैसी दुश्मनी पैदा हुई, फिर और भी नए नए कारण आने लगे, बट पॉइंट ये था कि हमारी संस्कृति बिगाड़ रहा है ये आदमी आगे। ठीक है, कैजुअल सेक्स ये भी एक शब्द था, कैजुअल सेक्स, ओपन सेक्स ये भी एक शब्द था वहां पर। ठीक है, तो सेक्स वाली बात से सबसे ज्यादा परेशान थे वहां के नागरिक। कहाँ के नागरिक? अमेरिका, पश्चिम, जो पश्चिम सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता की जहां पर जड़ है, उस जिस सभ्यता को ही भारत के लोग गलियाते हैं कि पश्चिमी संस्कृति ने हमारी संस्कृति बिगाड़ दी। अबे वो ये संस्कृति कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो जो आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी आधुनिकवाद की बात कर रहे हैं, वो एक वैज्ञानिक विचारधारा है, एक एक्सपेरिमेंट है, उस पर भी हम जाएंगे यदि उसकी जरूरत पड़े तो, अभी तो रूट में जाना जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो एक एक्सपेरिमेंट है मानवता का, उसमें काफी खामियां हैं, काफी समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ये जो गाड़ी और घोड़े आ गए हैं, मशीनें आ गई है, पी पी पो पो कर करके पोल्यूशन बढ़ा रही है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रही है, इससे क्या जानवरों को परेशानी हो रही है, इंसानों को परेशानी हो रही है, और पक्षियों को भी परेशानी हो रही है, और तो बहुत सारी समस्याएं उसके अंदर आ गई। तो मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं कि जो अमेरिका जाने का विचार है, बेसिकली ये विचार वहां, उस विचार का एक्सटेंशन है, जो विचार वहां से उत्पन्न हुआ कि एक छोटे शहर का आदमी या कस्बे का आदमी या गांव का आदमी जब शहर की तरफ जाता है और देखता है कि यार ऐसा अपना जीवन हो, तो फिर वैसा अमेरिका वाली बात वहां उसका एक्सटेंशन है। तो वहां पर मेरा प्रश्न ऐसा आपसे उठता है कि वो ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या नहीं था उसके छोटे शहर में या कस्बे में या गांव में जो उसने सोचा कि चलो शहर चलते हैं। मेरे अंदर भी ये भावना है, शहर में एक ऐसी चीज है, शहर में एक ऐसी चीज है जो मुझे यहां नहीं मिलती, छोटे शहर में या गांव में तो मतलब कंसीडर ही मत करो। वो क्या चीज है वो मैं आपको नहीं बता सकता इधर पब्लिक में, बट कुछ है मैं जानता हूं। तो हाँ आप उस बात को जानो, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको यहां नहीं मिल रही है,
मेरे को वो यहाँ नहीं मिल रही थी, मुझे वहां मिल रही थी। और अब तो थोड़ा क्या है कि मैं भ्रमण करने वाला आदमी हो गया हूँ, तो मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मैं छोटे शहर में रहता हूँ, कस्बों में भी जाता हूँ, गाँवों में भी जाता हूँ, बड़े शहरों के अंदर भी जाता हूँ। 12 दिन में पिछले महीने रहकर आया इंदौर में, कुछ 4 दिन में जयपुर में रहकर आया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं तो वर्सटाइल आदमी बन चुका हूँ, और इस तरह की लाइफ स्टाइल में प्रपोज भी करता हूँ कि एक आदमी कहीं का बनकर ना रहे, गांव का, छोटे शहर का, कस्बे का, बड़े शहर का, अमेरिका का, चीन का, जापान का, वो मतलब वर्सेटाइल आदमी रहे। और नेटवर्किंग के लिए वो ऑनलाइन का इस्तेमाल करे, जैसे कि मैं करता हूँ। जैसे 24 लोग यहाँ पर आ गए पूरे भारतवर्ष से, इन लोगों से मिलने के लिए तो मतलब पूरा जीवन गुजर जाता अगर मैं इनके शहर जा जाके मिलता इनसे। ठीक है, अच्छा, शहर का एक और इम्पोर्टेंस है, जो शहर है दिल्ली है, मुंबई है। अच्छा, जब मैं मुंबई गया था ना, तो मुंबई में लोग ऐसे मुझसे पूछते थे, वहां के जो लोकलाइट होते थे, गार्ड वगैरह होते थे, क्योंकि मैं अपनी वर्बल फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए हर एक आदमी से इंटरेक्ट करता था, तो ऐसे पूछते थे कौन से गांव से आए तुम, कौन से गांव से, तो खुद बोलता था मैं तो बाहर गाँव से आया हूँ। आप कौन से गाँव से आए, मैंने बोला गाँव से नहीं आया हूँ, मैं शहर से आया हूँ, अजमेर शहर है, सबसे शिक्षित शहर है, हाईएस्ट लिटरेसी, हाईएस्ट एजुकेशन वाला शहर है राजस्थान का, गाँव से नहीं आया हूँ मैं। तो वो ऐसा क्यों, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में बात ये फिट है कि जो मुंबई है, मुंबई तो रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, सब बाहर से आते हैं, और बाहर जो है गांव है, ये शहर है, एंड शहर इज द प्लेस फॉर नेटवर्किंग एंड ट्रेडिंग। लोग यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, बैंक वगैरह बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, पैसे वगैरह एक्सचेंज करते हैं, वो अलग अलग चीजों के लिए एक मीटिंग पॉइंट, एक नेटवर्किंग पॉइंट है। तो वैसे ही दिल्ली है, वैसे ही टोक्यो है, वैसे लंदन है। अब लोगों ने क्या वहां पर जा जाके बसना शुरू कर दिया, वहां पर भीड़ बढ़ रही है, तो उन लोगों के लिए भी वो बर्बादी, और वहां पर आकर ट्रेड करके, नेटवर्किंग करके, वैल्यूज, सर्विसेज, आइडियाज एक्सचेंज करके वापस जो लौटने वाले लोग थे उनके लिए भी बर्बादी है। क्या अभी दिल्ली से मैं आया कुछ 2 दिन पहले, टिकट ही नहीं मिला, मेरे साथ 3 बुढ़े लोग थे, जनरल के अंदर बैठ कर आना पड़ा, उसके अंदर भी दिल्ली से ऐसी भीड़ चढ़ गई, और हर आदमी ऐसा कह रहा रेवाड़ी तक, ठीक है रेवाड़ी तक संभाल लो, रेवाड़ तक, अबे रेवाड़ी तक मुश्किल है, तो तू गेट गेट पे खड़े हो जाता ना, कम से कम हमारे पास तो सिटिंग की टिकट थी है? तो रेवाड़ी 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 करते करते अब जो रेवाड़ी पे नहीं उतरे वो फिर आहे भर रहे, रींगस तक, बस रींगस तक मुसीबत है, रींगस तक दिक्कत है, रींगस क्यों जा रहे, रींगस खाटू श्याम जी को प्रसाद अर्पण करने जा रहे हैं, अरे खाटू श्याम जी को प्रसाद अर्पण करने जा रहा है, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। एक आदमी ऊपर टंग गया, हरियाणा के लोग आते ऊपर टंग जाते सीधे, ऊपर टंग जाते हो, लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते, हरियाणा वालों की ड्रेस कैसी होती, शर्ट होती है, पैंट होती है, नीचे स्पोर्ट्स शूज होते, तो स्पोर्ट्स शूज खोल के उसने ऐसे जूते रख दिए मेरी माँ के मुंह पे, ऊपर टांग लिए ना, मेरी माँ नीचे बैठी और ऊपर उसने ऐसे टांग लिए, ऐसे हरियाणा के बंदे आते लंबे लंबे और वो जूते मोजे खोल के ऐसे पैर टांग लेते, तो मेरी माँ उस पर गुस्सा कर रही, तेरे जूते में से बदबू आ रही है, तेरे मोजे में से, तो वो कह रहा है अरे आंटी इधर से गंदा नाला बहता है, बाहर से आ रही है, मेरे मोजे में से नहीं आ रही है। क्या क्या समझे भाई साहब, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर का महत्व क्या था और शहर क्या बन चुका है। तो आप उस, आपके अंदर से ये जो कंफ्यूजन पैदा हुआ ना, तो आप इसकी तरफ जाओ कि ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर, कौन सी डिजायर उत्पन्न हुई है कि आप शहर की तरफ जा रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि मेरे को वो एक चीज चाहिए थी, वो मुझे अब बिना शहर का रेसिडेंट बने भी मिल जा रही है और मिल जाएगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब उस बात को हटाते हैं तो वो तो फुलफिल हो गई, उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें होती है जो इंसान को लगता है कि मतलब उसके पास होनी चाहिए, शहर में जाकर उसको मिलती है। शहर में जाकर एक तो क्या है कि उसको वो मिलता है, एक प्रकार का सम्मान मिलता है कि भाई ये तो दिल्ली में रह रहे हैं, वाह 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 वाह, ये तो गुड़गांव में रह रहे हैं, वाह 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 वाह, ये तो पूना में रह रहे हैं, मुंबई में फ्लैट ले लिया, तो ये आसपास के गुलामों का जो उनको वैलिडेशन मिलता है उसको पूरा करने के लिए इंसान अपनी जिंदगी झंड करता है, और विश्व के सबसे जो पॉल्यूटेड शहर है दिल्ली एनसीआर, उसमें जाके रहता है, जिंदगी झंड करता है, और वैसी शहर है ये कलकत्ता है, वैसी आपका मुंबई है, और वैसा पूना हो चुका है जो कि 30 साल पहले स्वर्ग हुआ करता था, जब ओशो वहां पर अपना स्थापित किया, स्वर्ग हुआ करता था, आज बर्बाद है। जनवरी के अंदर भाई साहब इतना पसीना आ जाता है, जब गया था तो जैकेट लेकर गया था, वो जैकेट मेरे को इतनी बोझ लग रही थी, वो ओयो रूम में मैंने छोड़ दी, वो साला मेरे को पीछे भागता भागता है, सर आपकी जैकेट छूट गई, अबे मेरे को जैकेट क्या, मैंने तेरे लिए छोड़ी है,
तो खुश हो गया। हाँ जैसे साला वो इस्तेमाल करेगा, जनवरी में पूना के अंदर आप जैकेट नहीं पहन पा रहे हो, बंगलोर का भी हिसाब ऐसा ही है क्या? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई रहना तो वहां पर बर्बाद है, आपको तो खाना भी बर्बाद है, हवा बर्बाद है, पानी बर्बाद है और खाना बर्बाद है, और ऑर्गेनिक नाम पर आपको कचरा खिलाएंगे और आपसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना दाम वसूलेंगे, आपकी आधी जिंदगी ट्रैफिक के अंदर बीत जाएगी और 10 तरह की गुलामियां अलग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शहर में वो सब आप देखने जा रहे हैं, अपने आसपास जो गुलाम रहते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी नजरों वैलिडेट करने के लिए, रहने के लिए, तो ये तो गलत विचार है। आप अपने विचारों से उनको काट दो, वो चुप बैठ जाएंगे। मैं तो ऐसे ही करता हूं, जो भी मेरे, जो भी समाज में जो गुलाम आपस में एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे हैं जिन भी कारणों की वजह से, वो जब कारण मेरे पास लेकर आते कि तुम्हारे पास ये तो है ही नहीं, तो मैं तो एक से एक क्वेश्चन मारता हूँ, व्याख्यान लगा देता हूं वहां पर पूरा, तो चुप होकर बैठ जाता है, थोड़ा चुप हो जाएगा उसको साफ सूझ जाता है। तो चार गुलाम है, मामा है, मौसी है, फूफा है, कोई दिल्ली का आया, और नंद नगरी का आया हुआ, कहीं कानपुर का है, ऐसे बैठ गए 5 7 लोग, उन्होंने मेरे पर वो प्रश्न मारने शुरू किए। शादी का टाइम था तो मैंने प्रश्न मारने शुरू किए, मैंने उनको काउंटर करना शुरू किया, तो 2 मिनट तक तो वैसे साफ सूंघ गया। सही 2 मिनट साफ सूंघ गया, है पर 2 मिनट बाद उसमें से गुलाम पता है क्या बोला? जो गुलाम हमेशा क्या? बोलता है जब, क्योंकि उसको बोलना होता है, उसको वर्तमान में जो बेरी शांति है, जो समय का ही प्रवाह है, उसमें उसका आनंद ही नहीं है, उसको बक 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 करना होता है, इसलिए उसने वही पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करी जो गुलाम इस्तेमाल करते। क्या क्या मतलब सर्दी कम पड़ रही है? नहीं, वेदर हाँ सर्दी बहुत ज्यादा टॉक है, गर्मी गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार बारिश बहुत, पता है बहुत हुई है ना, अरे वहां तो इतनी बारिश हो रही है मालूम है, उधर तो बाढ़ आ गई है। तो बस ये तो वो गुलाम फिर उसमें लग गया, तीसरा गुलाम उससे जुड़ गया, चौथा गुलाम, बस ऐसे गुलामी की टॉक फिर से शुरू हो गई। तो ऐसे गुलामों की नजरों में वैलिडेशन प्राप्त करने के लिए आप अपनी जिंदगी झंडी क्यों करना चाहते हैं? अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अमेरिका जाने में कोई आपत्ति नहीं, अमेरिका में रहने में भी कोई आपत्ति नहीं, बट आप उसके क्वेश्चन करके आप उसकी रूट जानने की कोशिश करो, ये रूट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यदि उस रूट की वजह से यदि राइट आप, तो आपको वो शांति वहां पर भी नहीं मिलेगी। सॉरी 1 मिनट, ये रवि जी को मैं म्यूट कर रहा था, आप म्यूट हो गए, तो कंदोरिया जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। हाँ ठीक है, तो एक तो ये चीज है, ठीक है, तो आप देखिए कि आपकी जिंदगी का वैलिडेशन किस चीज के अंदर है। वो क्या आपको शहर में जाए बिना मिल सकता है क्या, या बड़े देश में जाए बिना मिल सकता है क्या? और उसके अलावा एक और बात समझने की जरूरत है कि अभी सेपरेट बात है, ये आपकी बात नहीं, एक जनरल बात है, ये जनरल बात ये है कि जब भारत जो है ये गांवों का देश था, और गांवों का देश तो इंग्लैंड भी था, अमेरिका भी पूरा गांवों का था, ये जो गांव के धीरे धीरे शहर क्यों बनने लगे, आपको ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि यदि उस फैक्ट में आप जाएंगे ना, तो आपको अपने अंदर के भी उत्तर मिलने लगेंगे कि गांव धीरे धीरे शहर क्यों बनने लगे, क्योंकि आप गांव को जाकर, आज भी एक आदमी है, राइट टू रिकॉल में काफी लोग ऐसे हैं जो ये वैदिक व्यवस्था, गांव की व्यवस्था, इसके विरुद्ध है, ठीक है, वो चाहते हैं कि बढ़िया है, बढ़िया अच्छा शहर बनने चाहिए, बढ़िया मकान बनने चाहिए, बढ़िया ट्रेन बननी चाहिए, हवाई जहाज घूमने चाहिए, बढ़िया इंडस्ट्रीज बननी चाहिए, खूब वेपन बनने चाहिए, खूब कैलकुलेटर, गाड़ियां, घोड़े, पुल वगैरह सब बढ़िया, मॉल वाई एकदम बढ़िया विकास होना चाहिए उसमें, काफी एकदम गाँव के तबके के लोग हैं जो कि अब पढ़ लिख कर बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, पुणे में जॉब कर रहे हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि भाई तुम तो शहर के लोग हो, हम वास्तव में गांव के लोग हैं, हमको पता है गांव कितना बड़ा बर्बाद होता है, तो बढ़िया ही बढ़िया विकास हुआ, ऐसे विकास होते रहना चाहिए, इस विकास के रास्ते में रोड़े बन रहे हैं, यहाँ के एसपी और कलेक्टर मिनिस्टर इन सबको वोट वापसी लगाओ, जज वगैरह को वोट वापसी लगाओ, और उनको बोला हट चले विकास करने दे, है ना? तो ऐसी विचारधारा के भी लोग हैं, तो वो विचारधारा क्यों आई? वो विचारधारा इसीलिए आई कि अच्छा गांव में कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई नयापन नहीं, कोई एडवेंचर नहीं, वही जो 1500 साल पहले हो रहा था आज भी गांव में वही हो रहा है, और इंग्लैंड के गांव में भी 1500 साल पहले जो हो रहा था इंग्लैंड के गांव में भी आज भी वही हो रहा है। वो तो इंग्लैंड क्या है, ये तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से पता चलता है ना, टीवी के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से पता चलता है, तो वो तो सारा फर्जी चीज है। मतलब अब आज भी अमेरिका के सड़कों पर कितने भिख मांगे, कितने बेघर लोग हैं, वो थोड़ा ना कोई डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं हम, आई मीन डॉक्यूमेंट्रीज में दिखा देते हैं, बट न्यूज में नहीं दिखाते, फिल्मों में दिखाते नहीं कि अमेरिका के अंदर कितनी गरीबी और कितना जुर्म है।
बट मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि यूनिवर्स बोर हो चुका था ना यार। यूनिवर्स को 1500 साल तक वही परोसते रहोगे यार, कैसे चलेगा? उसमें कुछ नयापन तो होना चाहिए। नयापन कैसे? बाहुबली जो फिल्म है ना, उसके अंदर आपने वो देखा क्या बोलते दंडा लइया वाला जो गाना है, उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, देखा है आपने वो? नहीं अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ तो उसको देख लेना, वो बहुत जरूरी चीज है, खासकर यदि आपके दिमाग में इस प्रकार के विचार चलते हैं कि यहाँ रहूं कि बड़े शहर में जाऊं कि बड़े देश में जाऊं। तो मतलब उसमें दिखा रखा है कि हजारों साल पहले भी गांव के अंदर जंगल के अंदर किस प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगाकर, हाइड्रोलिक्स लगाकर उसने अपने देश का, अपने गाँव का विकास किया। ठीक है, अब कुछ लोग आ जाएंगे कि नहीं हमारी भी वैदिक सभ्यता थी तो वो होगी यार, तो वो कहाँ है, तो वो किस कारण से चलेगी, तो उसको लाओ। अभी भी आपके शास्त्रों में है ना, आपके विद्वानों के पास है, परोपकारिणी जो सभा है वो वेदों से और वेदों के ट्रांसलेशन से भरी पड़ी है, तो उसको लाओ अपने गांव में, वो क्रिएटिविटी बचाओ। और गांव में देखो जो कुछ चीजें जो ऐसी है शहर के अंदर ही है, उसको भी यदि गांव में भी इंप्लीमेंट किया जाए ना, तो गांव मतलब इतना बढ़िया हो सकता है। मतलब गांव में क्या है कि जैसे कि मैं आपको मेरा क्या विजन है, गांव में लोग बंदे खेती कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर ही क्या है कि बंदे गिटार वगैरह ही बजा रहे हैं, वहीं पर भी जो थोड़े जंकीज होते हैं ना, थोड़ा अल्कोहल वगैरह भी पी रहे हैं, वहां पर लड़कियां भी हैं, नाच भी रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गान वगैरह कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, एक बढ़िया से जैसे फार्म कैफे वगैरह होता है ना, वो कैफे वगैरह बना दो उस खेत के चारों तरफ, सब लोग गाँव का एकदम शुद्ध पानी पियो, शुद्ध खाना खाओ, शुद्ध हवा का इस्तेमाल करो, और जो भी वहां पर मॉडर्न जो मॉडर्न जीवन होता है वो मॉडर्न लोग आकर वहां पर रहो, लेकिन जो आपकी संस्कृति है उसको रोकती है, इसकी वजह से गांव जो है बेसिकली उसके अंदर एडवेंचर नहीं आ पाता, क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। राइट आज भी गांव के आदमी यार को लड़की यार किसी दूसरे जात के आदमी शादी कर ले यार, लोग लड़की को मार देते यार, इतना गुलामों का देश है यार ये, मतलब ये नहीं है, मतलब जापान की गांव में भी यही होता है, हर गांव में आजकल यही सब जगह यही हो रहा है, हमेशा से यही था क्या? चीन के भी गांवों में यही स्थिति है, वहां पर भी ओनर किलिंग होती है या होती होगी, मतलब देख के पता चल जाता है ना, 5 साल से ह्यूमन साइकी को देख रहा हूं तो पता चल जाता है कि इसके अंदर वो कीड़ा है ना, वो निकला नहीं, और ये कीड़ा इंसान के दिमाग में तो चीनी जापानी ऑस्ट्रेलिया करने से नहीं होता है, अफ्रीका में भी यही सीन है, ऊपर से लेकर नीचे रशिया में भी यही सीन है, रशिया वगैरह तो और भी ज्यादा कैथोलिक टाइप के, ऑर्थोडॉक्स टाइप की कंट्रीज है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, तो वो संस्कृति बेसिकली रोकती है इवोल्यूशन को, क्रिएटिविटी को रोकती है, एडवेंचर को रोकती है, नएपन को रोकती है, इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है। तो आप यदि वो कर सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे जैसे कि ओरोवेले बना है एमपी के अंदर, इंदौर के पास में जीवांतिका करके आईआईटीएन थे, मेरे बैच से एक जूनियर आईआईटीएन था, उसने अपने बैच की आईआईटी दिल्ली की लड़की से शादी करी, वो ब्राजील में जाकर खूब पैसा वैसा कमा कर लेकर सबको छोड़ छाड़ कर, अब वो वहां पर ये सब उगाते रहते हैं, मटर वगैरह उगा रहे हैं, कभी वो बेर वगैरह उगा रहे हैं, कभी वो आलू वगैरह उगा रहे हैं, तो ये उगा रहे हैं तो छोटी सी दुनिया बनाकर उन्होंने वहां पर अपना बना लिया है, अपना टैंक वगैरह बनाया है, बाड़ वगैरह लगाते हैं तो, और बस ऐसी जिंदगी बना ली उन्होंने वहां पर, वो बढ़िया से लाइटिंग वगैरह भी करते हैं, नाम भी रखा हुआ है कुछ तो फार्म वगैरह करके वहां पर, और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, और बंदे आकर रहेंगे, इंटेलेक्चुअल बंदे आकर रहेंगे, और चूंकि दोनों कंप्यूटर इंजीनियर है तो पैसे वैसे कमा लेते हैं कुछ कंपूगिरी करके, तो थोड़ा बहुत वहां पर उनको मिल जा रहा है, थोड़ा बहुत उन्होंने अपना जीवन बना लिया, तो इस प्रकार से क्रिएटिव कुछ काम कर लिया फार्म के अंदर, ताकि उनको कुछ एडवेंचर मिले, कुछ नयापन मिले। मतलब वो आदमी नहीं जीना चाह रहा यार, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो तो उगलती है, बट उसको नए भाषा तो दो यार, नया रूप तो दो, नया रंग तो दो, उसमें कुछ संगीत तो डालो यार, आज भी तो भी यार तो ये बोरियत है गाँव में। लेकिन अभी भारत की जनता तैयार हो चुकी है कि गांव के अंदर जाकर कोई आदमी क्रिएटिविटी लगाए तो उसके तरफ लोग खींच के चले आए और पैसा भी दें। ठीक है, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले, वास्तव में आप अहमदाबाद के रहने वाले? नहीं, मेरा गांव वगैरह द्वारका साइड है, द्वारका कृष्ण भगवान का जो मंदिर है ना वहाँ का, मतलब वो जिला पड़ता है, तो हमारा वहां से 50 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ खेती बाड़ी है सब। तो बढ़िया है, आपके तो इतनी बढ़िया खेती बाड़ी, और गुजरात में तो और बहुत लोगों को जानता हूँ मैं जिन किस प्रकार से खेती बाड़ी है, नवसारी में भी एक हितेन करके हैं, उन किस प्रकार से बढ़िया खेती बाड़ी है, बढ़िया सुंदर, आपको तो पता ही है गुजरात के गांव कितने सुंदर होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जब एकदम मई जून की गर्मी पड़ती होगी तब जाके वहां पर थोड़ी बसड़ मचती होगी,
है ना, गर्मी बहुत होती है ना गुजरात में, बस होती है वो जरूर। 2 महीने की भसड़ है, 2-3 महीने की, अदरवाइज तो खूबसूरती होते हैं गुजरात के गांव, तो वहां पर बढ़िया देशी गाय मिल है और वो उसका दूध पीते हैं और मतलब सुपीरियर सोसाइटी से कनेक्टेड रहते हैं और उन्होंने शादी भी कर ली है ऐसी कुछ विकसित और स्वच्छंद विचारधारा की लड़की से, तो वो अपने जीवन में आना थोड़ा बहुत शेयर मार्केट से पैसा वैसा कमा लेते हैं और सुपीरियर सोसाइटी को दान भी दे देते हैं, तो बढ़िया जिंदगी चल रही है, ही सेटिस्फाइड विद दिस लाइफ क्या। तो इन राइट सब चीजों को आप कंसीडर करके चलिए, और ऐसा तो आप कभी मत सोचना कि मतलब अमेरिका जाके आदमी मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, या पैसा कमा के आदमी हाँ बहुत मस्त हो जाता है, या खुश हो जाता है, संतुष्ट बन जाता है, या फिर जॉब छोड़ के कोई लोग कोई सोचे यार जॉब में हमारी बड़ी जिंदगी झंड हो रखी है, हितेश आपके ने अपनी जॉब छोड़ दी, कितना मस्त है, तो हम भी जॉब छोड़ देते, हमको भी जॉब नहीं करनी, सब 10वीं के बच्चे मेरे को आके बोलते हमको भी जॉब नहीं करनी, तो तू क्या करेगा, तेरे पास उसका उत्तर हाँ है मेरे पास इतना कुछ करने के लिए मेरे पास आदमी नहीं है यहाँ पर करवाने के लिए राइट क्या। तो इन सब प्रश्नों के आप उत्तर ढूंढिए, ओके स्वयं से ढूंढिए, तो आपको इस ओके बात पर क्लैरिटी मिलेगी। ओके थैंक यू। एल रवि जी बीच बीच में आकर, रवि के पहले इन्होंने एल लगाकर अपने परिचय बढ़िया से दे रखा है। हाँ बताइए सुमित गोंदिया जी, क्या कहना है आपको। चैट का फीचर जो है ना वो डिसेबल किया जा सकता है, मैं यही कहना चाहता था, मिशनरी हाँ बस मैं लेकिन डिस्टर्बेंस इतनी को। तानाशाही नहीं करना चाहता हूं, और इसी वजह से मेरी जिंदगी में क्या है सिरदर्द इतना हो चुका है पिछले 5 सालों में क्या समझे, अगर तानाशाही करनी होती तो फिर वो मेरा एक्सप्रेशन नहीं है। अभी इन सुपीरियर सोसाइटी इंदौर के ग्रुप के अंदर एक फिरंगी नंबर से एक ऐड करके एक आदमी आया, उसने करीब 8-10 डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के विरोध में कोई आदमी वीडियो बना रहा है, तो उसके 8-10 वीडियो फॉरवर्ड कर दिए, दर 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 दर, और फिर वो इजेक्ट मार के चला गया मैं सोच अब किसको गलियाऊं, किस पर भड़कू तो उसकी देखा देखी वहां के ब्रजमोहन नाम के एक आदमी ने और कचरा फेंक दिया, तो फिर मैंने उस फिरंगी का सारा गुबार ना इसके ऊपर निकाल दिया, इसको फोन करके अड़काया कि उसको डिलीट कर एनीवे बहुत अच्छी बात है, 26 लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में। हाँ जितेंद्र रावल जी नासिक से,